दोस्तों, जब बात इमारतों की आती है तब तो आप लोगों ने एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे बिल्डिंग को देखा है जो पूरे सिक्कों की तरह गोल हो? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि उसमें लोग भी रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया में ऐसी बिल्डिंगें मौजूद हैं जिसका स्ट्रक्चर पबजी गेम में जो कंटेनर होते हैं ठीक उसकी तरह होता है। यानी कि इस बिल्डिंग को एक के ऊपर एक सेट किया गया है जिसे देखकर कुछ पल के लिए इंसान को चक्कर आ जाए। तो दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको ऐसी ही हैरतअंगेज बिल्डिंग्स को लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, हमारी आज की इस लिस्ट में भारत की एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली बिल्डिंग मौजूद है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। 1000 म्यूजियम। दोस्तों, इस टावर के नाम में आपको म्यूजियम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन असल में ये कोई म्यूजियम नहीं है बल्कि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर कोई भी आकर रह सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में बनकर तैयार हुई ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा यूनिक है कि इसमें आपको मॉडर्न आर्किटेक्ट का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग में तीन तरह से डिजाइन किया गया है, जहां पहले इसके बीच में पार्ट को बनाया गया है, फिर इसके ऊपर अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया गया है, और फिर अंत में इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे यूनिक डिजाइन को लगाया गया जिसकी वजह से बिल्डिंग का लुक बिल्कुल बदल गया। 62 फ्लोर्स की इस बिल्डिंग की लंबाई 215 मीटर है और इसी वजह से ये यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। वैसे ऊंची होने के साथ साथ ये बिल्डिंग कई लोगों के लिमिट से बाहर है, क्योंकि इसका हर एक अपार्टमेंट अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है जिसे अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। रोटर कैक्टस बिल्डिंग। दोस्तों, ये जो हैरान करने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में मौजूद है। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी कि अगर आप चाहें तो इस शानदार बिल्डिंग में आकर अपार्टमेंट खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा अलग है, जहां इसमें आपको 98 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इन सभी अपार्टमेंट्स की अपनी एक अलग बालकनी है, और इन बालकनी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पूरी बिल्डिंग ही एक अलग पैटर्न में क्रिएट हो गई। बिल्डिंग की क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सभी बालकनियों में छोटे छोटे बगीचे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो इस शानदार डिजाइन वाले बिल्डिंग को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाते हैं। नोड LB हेडक्वार्टर। दोस्तों, अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं ये जर्मनी में मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि एक ऑफिस बिल्डिंग है, और इसी ऑफिस बिल्डिंग में जर्मनी की सबसे फेमस बैंक का हेडक्वार्टर भी है। बैंक और ऑफिस के अलावा इस बिल्डिंग का इस्तेमाल रिटेल्स, कल्चरल, इंडोर स्पोर्ट्स और कमर्शियल पर्पस के लिए भी किया जाता है। अब आप बोलेंगे, सारी चीजें बाकी बिल्डिंग में भी होती होंगी, इसमें क्या खास है? तो भाई साहब, सबसे पहले आपको ये बता दें, ये बिल्डिंग एक दो साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसे 1970 में बनाना शुरू किया गया था, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद ये आज की बिल्डिंग्स को डिजाइन में टक्कर देती हैं। जहाँ इस बिल्डिंग की डिजाइन इतनी शानदार है कि ऐसा लगता है हर एक ब्लॉक को एक के ऊपर एक बनाकर रखा गया है। जो ब्लॉक बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, उनके सपोर्ट के लिए केवल एक दो पोल का इस्तेमाल किया गया है। यही चीज बिल्डिंग की डिजाइन को और ज्यादा यूनिक बना देती है। बियर ब्रश। दोस्तों, जितना ही अजीब इस बिल्डिंग का नाम है, उतना ही अजीब ये बिल्डिंग खुद भी है, जिसे लोग बियर पेंसिल के नाम से जानते हैं। 47 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग को 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया। दोस्तों, जिस डिजाइनर ने इस बिल्डिंग को बनाया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि फ्यूचर में इस बिल्डिंग के आकार को और ज्यादा बड़ा बनाया जा सके, और ये हर जनरेशन को एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग लगे। और बिल्डिंग का डिजाइनर अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब भी हुआ, क्योंकि इस बिल्डिंग में मौजूद छोटे छोटे जो अपार्टमेंट्स थे वो अपने बेस से काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इस बिल्डिंग के दूसरे साइड ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों, अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं उसे फिश बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिल्डिंग कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के हैदराबाद शहर में मौजूद है। अब ये चीज सुनने में भले ही आपको हैरान कर रही हो, लेकिन वाकई में इस शानदार बिल्डिंग को हमारे भारत में ही बनाया गया है, जिसे देखकर कई सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई क्रिएटिविटी की जा सकती है। वैसे आपको बता दें, 4 मंजिला ऊंची इस बिल्डिंग को अभी नहीं बल्कि 1992 में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था, जिसके अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ेगी, जहाँ इस पूरी बिल्डिंग को मजबूत पोल्स की मदद से जमीन पर टिकाया गया है। नीचे की पूरी जगह खाली है, और जो आप इस मछली की आंख देख रहे हैं वो खिड़कियां हैं, जिसे गोल शेप में बनाया गया है, और इसका मुंह एक बालकनी है जहां पर खड़े होकर आपको बाहर का नजारा साफ साफ नजर आएगा। दोस्तों, भारत में मौजूद बिल्डिंगों की बात हो ही रही है,
तो क्या आप बता सकते हैं दुनिया का सबसे महंगा घर जो भारत में है वो किसका है, रतन टाटा या मुकेश अंबानी? एब्सोल्यूट टावर्स। दोस्तों, अब आप जिन टावर्स को देख रहे हैं ये कनाडा में मौजूद है। इन टावर्स को 2007 में बनाना शुरू किया गया और 2012 में ये दोनों टावर बनकर तैयार हो गए। जहां सबसे खास इनकी डिजाइनिंग है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी गोल्ड पाइप को पिचका दिया गया हो। और दोस्तों, इनकी इसी डिजाइन के लिए इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन में इस बिल्डिंग को चौथे स्थान पर रखा गया। इनमें जो टावर ऊंचा है उसमें 56 फ्लोर्स मौजूद है और जो छोटे वाला है उसमें 50 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि दोनों टावर्स बेस से लेकर टॉप तक 209 डिग्री मुड़े हुए हैं। कॉपर कॉइन बिल्डिंग। अब आप जिस हैरान करने वाले बिल्डिंग को देख रहे हैं ये कहीं और नहीं बल्कि चाइना में बनाई गई है। और आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस शानदार बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर गोल है और इसके बीच में किसी भी तरह का कोई ग्लास पैनल नहीं लगाया गया। ये पूरा ओपन एरिया है जिसमें कोई भी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। और ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम कॉपर कॉइन इसलिए रखा गया क्योंकि ये न सिर्फ एक सिक्के की तरह गोल है बल्कि इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है जो इसके चमक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। 33 मंजिला ये बिल्डिंग 138 मीटर ऊंची है और इस बिल्डिंग में जितने भी कमरे हैं उनकी अपनी एक अलग छाप है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देती है। अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। दोस्तों, अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बनाई गई है। जहां इसकी सबसे खास बात ये है कि ये दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो आपस में स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों बिल्डिंगें एक ही कंपनी द्वारा तैयार की गई हैं, जिनको आपस में जोड़ने के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया। और ये स्विमिंग पूल जमीन से 300 फुट ऊंचा है, जहाँ ये स्विमिंग पूल इन बिल्डिंग्स के 3 फ्लोर जितना ऊंचा है। दोस्तों, ये दोनों ही बिल्डिंग लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आपको लग्जीरियस अपार्टमेंट से लेकर रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसी तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, इस बिल्डिंग की डिजाइन तो बेहतरीन है ही, उसके साथ साथ इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल भी कुछ कम खास नहीं है। जहां इसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ कॉपर को लगाया गया है और इनका डिजाइन ऐसे है कि दोनों बिल्डिंग आपस में डांस कर रही हो, क्योंकि स्विमिंग पूल वाले एरिया की तरफ ये दोनों ही बिल्डिंग बाहर की तरफ झुकी हुई है जो दिखने में कुछ इस तरह शानदार दिखाई देती है। बुंद फाइनेंस सेंटर। दोस्तों, ये बिल्डिंग भी चाइना के शंघाई सिटी में बनाई गई है जो दिखने में आपको एक सिंपल सी बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें इसके ऊपर जिन पाइप्स को लटकाया गया है उसकी 3 अलग अलग लेयर हैं जो हर टाइम घूमती रहती है। और इन सभी पाइप्स के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है जो इस बिल्डिंग के लुक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। दोस्तों, ये बिल्डिंग एक कल्चरल सेंटर है जिसके अंदर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और साथ साथ ऑफिस वगैरह भी बने हैं। द इंटरलेस। अब बात करते हैं उस बिल्डिंग के बारे में जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, ये बिल्डिंग सिंगापुर में बनी है जिसका डिजाइन ऐसे तैयार किया गया जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रख कर इसे बनाया गया हो। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि नहीं बड़े बड़े कंटेनर को एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। इस पूरी बिल्डिंग को 2007 में बनाना शुरू किया गया और साल 2013 में ये पूरी बिल्डिंग बनकर कम्प्लीट हो गई। आपको बता दें कि ब्लॉक्स की तरह बनाए गए इस बिल्डिंग में टोटल 25 फ्लोर्स बनाए गए, लेकिन इसमें 1040 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है और बिल्डिंग के अलग अलग ब्लॉक में जाने के लिए पूरे 43 लिफ्ट बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगी। जहां पूरी बिल्डिंग एक दूसरे ब्लॉक के जरिए आपस में कनेक्टेड है और बीच में आपको एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बिल्डिंग के आजू बाजू गार्डन भी बने हैं, यानी कि अगर आप एक बार यहाँ पहुंच गए तो यहाँ का खूबसूरत नजारा आपको अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। धन्यवाद।